हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं माता के दर्शन के लिए आबू अंबाजी। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। मेरे हस्बैंड हम जा रहे हैं गुजरात के अंबाजी मंदिर। ये हम आ गए हैं बांद्रा टर्मिनल से। अभी हम जाएंगे ट्रेन में। तो चलिए मेरे साथ अभी ट्रेन में हम चलते हैं माता के दर्शन के लिए। ये देखिए हम आ गए हैं बांद्रा टर्मिनल। अभी यहाँ से हम जाएंगे आबू अंबाजी माता के दर्शन के लिए। अभी हम ये ट्रेन में जाएंगे आबू अंबाजी। ये है जैसलमेर एक्सप्रेस। ये हमारा AC2 टायर है। ये है हमारा AC2 टायर सीट। ये ट्रेन में पर पर्सन 1400 का टिकट है, लेकिन इसमें पानी का बोतल और फूड इंक्लूड नहीं है। अगर आपको फूड चाहिए तो इसके एक्स्ट्रा चार्जेस देने होंगे। फ्रेंड्स, आप IRCTC ट्रेन फूड ई कैटरर्स ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो आपको अपनी सीट पे फूड डिलीवर हो जाता है। जी ट्रेन। फ्रेंड्स, आप IRCTC ट्रेन फूड ई कैटरर्स ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो आपको अपनी सीट पे फूड डिलीवर हो जाता है।
एसी ट्रेन। ये देखिए हम आ गए हैं। ये है आबू रेलवे स्टेशन। ये देखिए आबू रोड। अभी हम यहाँ से जाएंगे अंबाजी। रात को 12:30 हो गए थे, फिर हम आबू रोड से अंबाजी बाय ऑटो गए। ये देखिए कितना अंधेरा है। ऑटो वाला बहुत ही पैसे बोल रहा था, फिर हमने बार्गेनिंग किया और आबू रोड से अंबाजी 500 रुपये में हम आ गए। रोड पे कितना अंधेरा था, वहाँ स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा था, साथ में हस्बैंड थे, फिर भी बहुत ही डर लग रहा था। ऐसे लगता था इधर से कोई एनिमल आ जाएगा, इधर से कोई एनिमल आ जाएगा। फिर ऑटो वाले ने म्यूजिक बजाया, लेकिन हम कैसे कैसे करके अंबाजी आ गए। यहाँ ऑटो वाले डबल तिब्बल रेट लेते हैं। अगर आप भी अंबाजी जाओ तो आप बार्गेनिंग करना। फ्रेंड्स, अगर आप रात को आबू रोड जाओ तो वहाँ ही स्टे करना। फाइनली हम अंबाजी आ गए। हमें मॉर्निंग में माता की आरती अटेंड करनी थी, इसके लिए हम नाइट में अंबाजी आ गए। फ्रेंड्स, मंदिर में मोबाइल अलाउड नहीं है। ये देखिए अंबाजी मंदिर, अंदर कैमरा लेके नहीं जाने देते।
अभी और इंटरेस्टिंग व्लॉग आएगा, वो आप नेक्स्ट व्लॉग में वॉच कीजिए। अगर एक ही वीडियो में सब लूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए आप दूसरा व्लॉग पार्ट टू में वॉच कीजिए। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में।